नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। भोपाल से बड़ी खबर है, सीएम हाउस में बीजेपी की टिफिन पार्टी हुई। मंत्रियों के साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान भी इसमें मौजूद थे। सीएम हाउस में बीजेपी के कई बड़े नेता पहुंचे। विधायक और मंत्री अपने अपने टिफिन लेकर पहुंचे थे। टिफिन पार्टी पर सीएम शिवराज बोले हैं, हम सब एक परिवार के लोग हैं, सभी लोगों ने एक दूसरे के साथ भोजन किया है। सीएम हाउस में बीजेपी की टिफिन पार्टी देखने को मिली और अपनी अपनी टिफिन लेकर पहुंचे थे विधायक मंत्री। सीएम बोले, हम सब एक परिवार के लोग, सभी लोगों ने एक दूसरे के साथ भोजन किया है। तस्वीरें भी सामने आई हैं, बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता इस दौरान मौजूद थे। टिफिन पार्टी बीजेपी की सीएम हाउस में देखने को मिली है। तस्वीरों में आपको सीएम शिवराज, मंत्री गोपाल भार्गव नजर आ रहे होंगे। आज आनंद के वातावरण में पहले कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई और बाद में हम सब कि एक परिवार के हम सब लोग हैं, साथ में प्रेम से और स्नेह से मिलकर प्रदेश की जनता की सेवा और विकास का काम कर रहे हैं। आज सबने अपने अपने घर से, सारे मंत्री, मुख्यमंत्री सब अपने अपने घर से टिफिन लेके आए और टिफिन यहाँ खोले, एक दूसरे को परोसा और फिर इतना खाया कि उठाने के लिए आदमी की जरूरत पड़ी। एक तरफ अलग अलग अंचलों का स्वाद, इसमें चाहे मालवा हो, निमाड़ हो, बुंदेलखंड हो, विंध हो, महाकौशल हो, चंबल हो, ग्वालियर हो, भोपाल हो, सारे अंचलों का, शहडोल संभाग हमारा हो, नर्मदापुरम हो, सब संभागों के व्यंजनों का आज हम लोगों ने स्वाद लिया। और ये केवल भोजन नहीं था, ये स्नेह और प्रेम का परस्पर आदान प्रदान भी था और साथ में ये संकल्प भी कि प्रदेश के विकास में और प्राणों से प्यारी जनता के कल्याण में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कैबिनेट की बैठक थी, टोटल मिला के 4 प्रस्ताव थे, 4 प्रस्ताव टोटल मिला के थे और टिफिन बैठक हुई। सभी के परिवारों से टिफिन आया, सभी के परिवार के लोग भी थे और बहुत ही आनंद की अनुभूति के साथ बैठक हुई। संगठन के लोग भी बाद में भोजन थे, माननीय अजय जम्बाल साहब थे, माननीय हितानंद शर्मा जी थे और टिफिन बैठक का एक अलग आनंद है, तो हम लोग आनंद लेके आ रहे हैं। तालमेल की कोशिश है क्या? ऑलरेडी तालमेल बना हुआ है, सामूहिक भोज सभी के साथ, सहभोज, ये भारतीय जनता पार्टी की लगातार एक निरंतर परंपरा है। एक तो बजट पारित हुआ जो विधानसभा के लिए, तो इसी पर अधिक चर्चा करने के लिए सीधे भोपाल का हम रुख कर देंगे। सहयोगी जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। जितेंद्र, एक बार फिर से बीजेपी की टिफिन पार्टी देखने को मिली है और संदेश वही है, एकजुटता का। बिल्कुल सुमित, अगर बात करें तो हम अभी मुख्यमंत्री निवास के ठीक सामने ही खड़े हैं और यहाँ से कुछ देर पहले ही तमाम जो मंत्री हैं वो यहाँ से रवाना हुए हैं। पहले कैबिनेट की बैठक हुई और कैबिनेट की बैठक को जो है उसमें चर्चा की गई और जो अनुपूरक बजट को लेकर जो मुद्दे थे उन्हें मंजूरी दी गई है और उसके साथ ही आज जो तमाम मंत्री हैं जो बैठक में शामिल हुए, उन्होंने अपने अपने घरों से, उनके परिजन भी यहां पर शामिल हुए थे, उन्होंने जो अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए मंत्री अपने व्यंजन लेकर आए उसका स्वाद चखा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट की बैठक के बाद मीडिया से भी चर्चा की, उन्होंने ये बताया कि ये जो है भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है और सारे लोग मिलजुल कर ही प्रदेश के विकास के लिए बात कर रहे हैं और ये एक अच्छी और महत्वपूर्ण पहल भी रही है कि कैबिनेट की बैठक के बाद जो है टिफिन बैठक हुई है और उसमें अलग अलग मुद्दों पर चर्चा हुई है और प्रदेश के विकास को लेकर सभी मंत्रियों को भी निर्देश भी दिए गए हैं। सुमित, ठीक है जितेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे, भोपाल से बड़ी खबर है, 10 जुलाई को कांग्रेस विधायक दल की बैठक होनी है। पीसीसी चीफ कमलनाथ के निवास पर यह बैठक होगी। सदन में सत्ता पक्ष को घेरने की विपक्ष रणनीति बनाएगा। तकनीकी टीम देगी चुनाव प्रबंधन की जानकारी। बूथ प्रबंधन और चुनाव से जुड़ी जानकारी देगी टेक्निकल टीम। तो 10 तारीख को कांग्रेस विधायक दल की बैठक पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ के निवास पर होनी है और इस बैठक में विपक्ष सत्ता पक्ष को मॉनसून सत्र में घेरने की रणनीति बनाएगा। कांग्रेस की जो टेक्निकल टीम है वो चुनाव प्रबंधन की और बूथ प्रबंधन की जानकारी देगी।
अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। बीजेपी ने घोषणा पत्र समिति बनाई है। दुर्ग सांसद विजय बघेल को इसमें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। विजय बघेल बनाए गए हैं संयोजक घोषणा पत्र समिति के। पूर्व विधानसभा सांसद रामविचार नेताम, पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल, वरिष्ठ विधायक शिवरतन शर्मा को भी सह संयोजक की जिम्मेदारी इस कमेटी में दी गई है। बीजेपी ने घोषणा पत्र समिति का गठन कर दिया है। विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं और दुर्ग सांसद विजय बघेल को इसमें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। विजय बघेल संयोजक बनाए गए हैं घोषणा पत्र समिति के। पूर्व विधानसभा सांसद रामविचार नेताम भी इसमें मौजूद हैं। दुर्ग से बड़ी खबर, सांसद विजय बघेल घोषणा पत्र समिति के संयोजक बनाए गए हैं। बीजेपी घोषणा पत्र समिति का संयोजक बनाया गया है सांसद विजय बघेल को और सांसद निवास पर बधाई देने वालों का तांता लगा जब यह खबर सामने आई। सांसद विजय बघेल ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। विजय बघेल ने सभी वरिष्ठों का आभार व्यक्त किया। भारतीय जनता पार्टी ने आज दुर्ग सांसद विजय बघेल को एक महती जिम्मेदारी दी है, घोषणा पत्र समिति का संयोजक बनाया। हमारे साथ में विजय बघेल जी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, एक महती जिम्मेदारी मिली है, किस तरह का देखते हैं? सबसे पहले तो मैं अपने पार्टी के शीर्ष नेताओं को धन्यवाद दूंगा, उनका आभार व्यक्त करूंगा। माननीय ओम माथुर जी जो हमारे चुनाव प्रभारी हैं, माननीय मनसुख मांडविया जी जो हमारे सह प्रभारी हैं चुनाव के छत्तीसगढ़ के, उन दोनों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और खासकर हमारे प्रदेश के अध्यक्ष अरुण साव जी को, जिन्होंने जिम्मेदारी मुझे दी और इतना बड़ा दायित्व के लायक मुझे समझा। पार्टी ने अनेक मुझे मेरी हैसियत से ज़्यादा उन्होंने दी है और ये मेरे लिए स्वाभाविक बात है। मैं पूरी लगन से इस दायित्व का निर्वहन करूंगा और हर वर्ग के साथ इंसाफ हो उसके लिए हम सब मिलकर। किसी भी चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र बेहद महत्वपूर्ण होता है, किस तरह का घोषणा पत्र होगा क्योंकि आप संयोजक हैं, और क्या लोगों से राय ली जाएगी, किस तरह का होगा? बहुत महत्वपूर्ण रहता है वाकई में। घोषणा पत्र का इंतजार लोगों को रहता है और घोषणा पत्र के अनुसार ही लोग पार्टी में प्रभावित होते हैं और पार्टी को वो वोट भी देते हैं। जिस तरह ये कांग्रेस पार्टी एक झूठ का पुलिंदा लाया अपने 2018 के चुनाव में और वो झूठ की तरफ लोग बह गए, एक धोखा मिला है लोगों को, लेकिन हम विश्वास करते हैं लोगों के विश्वास पर। जैसे हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी करते हैं, सबका साथ सबका विश्वास और सबके प्रयास से जो सरकारें बनती है वो हमेशा अडिग रहती है। और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उसको करती है। हम लोग घोषणा पत्र को संकल्प के पत्र के रूप में लेते हैं, जो संकल्प हमने लिया है उन संकल्पों को घोषणा पत्र में डालें और उसके अनुसार उसका पूरी अक्षरता उसका पालन करें जी। तो देखिए, ये दुर्ग सांसद विजय बघेल थे जो बता रहे थे कि घोषणा पत्र किस तरह का होगा, इसमें कोई झूठ नहीं होगा बल्कि सबका साथ सबका विकास जिस तरह की जो बातें कहते आए हैं वही जो है इस घोषणा पत्र में शामिल किया जाएगा, सबको साथ में लेकर चला जाएगा। न्यूज 18 छत्तीसगढ़ के लिए दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर। खबर ग्वालियर से, जहां 10 साल का छात्र रहस्यमय तरीके से लापता हो गया। कोचिंग पढ़ने के लिए निकला था तरुण कुशवाहा जो कि लापता हुआ है। शुक्रवार को दोपहर कोचिंग के लिए तरुण निकला था आनंद नगर बहोड़ापुर इलाके से। मासूम लापता हुआ है, सीसीटीवी में अकेला जाता हुआ नजर आया है बच्चा। बहोड़ापुर पुलिस ने परिजनों की शिकायत दर्ज कर दी है। ग्वालियर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 10 साल का छात्र रहस्यमय तरीके से लापता हो गया। कोचिंग पढ़ने के लिए तरुण कुशवाहा निकला था शुक्रवार को दोपहर के समय, उसके बाद से लापता है। बहोड़ापुर इलाके से 10 साल का तरुण लापता हुआ है, सीसीटीवी भी सामने आया है। सीसीटीवी में तरुण अकेला नजर आ रहा है। बहोड़ापुर पुलिस ने परिजनों की शिकायत दर्ज कर ली है।
और तरुणों की तलाश जारी कर दी है। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे ग्वालियर संवाददाता सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, क्या कुछ और जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए आनंद नगर बहोड़ापुर इलाके का रहने वाला है ये 10 साल का बच्चा है, तरुण कुशवाहा इसका नाम है। ये कल घर से कोचिंग पढ़ने के लिए निकला था दोपहर करीब 3 बजे के आसपास, उसके बाद फिर ये घर नहीं लौटा है और शाम तक घर वालों ने इसको तलाश किया और देर रात तक जब इसका पता नहीं लगा तो आज परिवार के लोगों ने इसके आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जहां ये बच्चा जाता हुआ नजर आ रहा है। एक दो बच्चे और उस एक फुटेज में है जो इससे बातचीत करते हुए नजर आए हैं। अब परिवार की शिकायत के बाद भोड़ापुर थाना पुलिस ने इसमें चूंकि बच्चा नाबालिग है अपहरण का मामला दर्ज कर लिया, अज्ञात के खिलाफ अपहरण का इसमें केस दर्ज किया गया है और अब बच्चे की तलाश के लिए पुलिस जो है आसपास सर्चिंग अभियान भी चला रही है और प्रारंभिक तौर पर ये जानकारी भी सामने आई है कि जी जो बच्चा है उसे मोबाइल ना चलाने को लेकर परिवार के लोगों ने कुछ डांटा था, हो सकता है इसी बात से नाराज होकर वो कहीं गया हो या फिर और इसकी गुमशुदगी के पीछे क्या वजह है पुलिस जाँच कर। ठीक है सुशील, बहुत शुक्रिया आपका। इंदौर से बड़ी खबर है, कैफे संचालक के साथ जमकर मारपीट हुई, युवकों ने मारपीट की है, तोड़फोड़ भी की है, मारपीट की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई, मामूली विवाद को लेकर मारपीट हुई है, बाड़गंगा थाना क्षेत्र का ये मामला। तो इंदौर से खबर आपको हम बता रहे हैं, तस्वीरें भी सामने आई हैं, कैफे संचालक के साथ जमकर मारपीट हुई, युवकों ने मारपीट की और कैफे में तोड़फोड़ भी, मारपीट की वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। मामूली बात को लेकर विवाद हुआ था और विवाद में मारपीट हो गई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने टीएस सिंहदेव के उस बयान पर तंज कसा है जिसमें उन्होंने कहा है कि पार्टी उन्हें टिकट देगी तो वो चुनाव जरूर लड़ेंगे। अरुण साव ने कहा कि टीएस सिंहदेव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जनता ने वो दिया वो हो नहीं पाए, सरगुजा में विकास ठप हो गया, पूरे प्रदेश में अस्पतालों की बदहाली सबके सामने है। टीएस सिंहदेव जी ने सरगुजा की जनता के साथ धोखा किया है, छल किया है। सरगुजा की जनता ने मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट दिया पर सरगुजा की जनता को क्या मिला? विकास के सारे काम सरगुजा में ठप है। आगे बढ़ते हैं, बीजेपी के अध्यक्ष अरुण साव ने नंद कुमार साय के यूसीसी का समर्थन करने पर खुशी जाहिर की। अरुण साव ने कहा कि देश में कानून होना चाहिए यह जनता जानती है। नंद कुमार साय जी का बयान सही है, यूसीसी आज देश की आवश्यकता है। कि एक देश में एक कानून होना चाहिए ये आज देश की जनता बखूबी जान रही है और कांग्रेस के कुछ लोग भ्रम फैलाने का काम कर रहे थे पर जिस प्रकार से नंद कुमार साय जी का बयान आया है वो सही है। दिग्विजय सिंह के एक ट्वीट पर बवाल मचा हुआ है, उन्होंने माधव सदाशिव राव गोलवलकर को लेकर एक ट्वीट किया। इस ट्वीट में गोलवलकर की किताब का हवाला दिया गया और दावा किया गया है कि वो सत्ता बचाए रखने के लिए सरकारी संपत्ति जमीन और जंगल को विश्वासी धनी लोगों को देने की हिमायती थे। दिग्विजय सिंह ने लिखा है कि गुरु गोलवलकर जी के दलितों पिछड़ों और मुसलमानों के लिए क्या विचार थे अवश्य जानिए। दिग्विजय सिंह के ट्वीट को आरएसएस के प्रचार प्रमुख सुनील अंबेकर ने तथ्यहीन और सामाजिक द्वेष पैदा करने वाला बताया। फिलहाल यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।